द्विघात बहुपद के नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन है, यदि द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस फाइव एक्स प्लस फोर के शून्यक अल्फा तथा बीटा हो तो एक द्विघात बहुपद को ज्ञात करें जिसके शून्यांक इतना और इतना है। तो इस क्वेश्चन को बनाने के लिए शून्यक दे रहा है अल्फा और बीटा, तो पहले इसको हम क्या करेंगे कि अल्फा प्लस बीटा निकालेंगे, उसके बाद अल्फा इंटू बीटा निकालेंगे, उसके बाद ये जो शून्यक दे रहा है इसको हम लोग अल्फा डैश और अल्फा बीटा डैश मान करके उसको भी सम ऑफ जीरोज और सम ऑफ प्रोडक्ट को निकालेंगे। तो सबसे पहले हम लोग इसको लेते हैं एक्स स्क्वायर माइनस फाइव एक्स प्लस फोर, तो इसका अल्फा और बीटा निकालेंगे माइनस बी बाई ए, माइनस बी का वैल्यू क्या है माइनस पाँच और ए का वैल्यू वन, तो माइनस माइनस प्लस पाँच हुआ, अल्फा इंटू बीटा सी बाई ए, तो सी का वैल्यू फोर और इसका वैल्यू वन यानी कि चार हुआ। अब मान लेंगे कि माना अल्फा डैश बराबर इतना तथा बीटा डैश बराबर अल्फा है, तो इसका सम निकालेंगे अल्फा डैश प्लस बीटा डैश। अल्फा डैश का माने हैं इतना, अल्फा डैश के जगह पर इतना लिखेंगे अल्फा प्लस वन बाई बीटा, उसके बाद प्लस है तो प्लस, बीटा डैश को माने हैं बीटा और प्लस वन बाई अल्फा। अब क्या करेंगे अल्फा प्लस बीटा एक जगह कर देंगे, उसके बाद वन बाई अल्फा और प्लस वन बाई बीटा। तो यहाँ हम देखते हैं कि अल्फा प्लस बीटा और प्लस इसका हम एलसीएम ले लेंगे अल्फा इंटू बीटा, ये क्या बचेगा बीटा प्लस अल्फा, तो अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू कितना है पाँच, प्लस अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू पाँच, अल्फा इंटू बीटा का मान चार। अब इसका हम लोग एलसीएम लेंगे फोर होगा पंचों का बीस और जो पाँच पच्चीस बाई चार आएगा। अब इसका हम लोग द्विघात बहुपद फॉर्मूला पर ले जाएंगे, द्विघात बहुपद इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा डैश प्लस बीटा डैश अजोर अल्फा डैश इंटू बीटा डैश। अब यहाँ पर हम लोग अल्फा डैश इंटू बीटा डैश निकालेंगे, वैल्यू इतना और इतना है अल्फा इज वन बाई बीटा इंटू बीटा जोर वन बाई अल्फा। अब इसको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे प्रोडक्ट करते हैं तो अल्फा इंटू बीटा प्लस वन का होल स्क्वायर हो जाएगा आई अल्फा इंटू बीटा, तो अल्फा इंटू बीटा का मान चार है, चार का स्क्वायर प्लस वन इसका मान चार, तो चार है कितना हो जाएगा पाँच, इसका स्क्वायर बाई चार पच्चीस बाई चार। अब ये मान इसमें पुट करेंगे एक्स स्क्वायर अल्फा डैश प्लस बीटा डैश का मान पच्चीस बाई चार एक्स और इसका मान पच्चीस बाई चार
अब चार है तो चार से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 4x² - 25x + 25 इसका ये आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि अल्फा और बीटा द्विघात बहुपद x² + kx + 12 के शून्यक है और α - β/1 तो k का मान ज्ञात करना है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए पहले क्या करेंगे कि ये जो कह रहा है x² + kx + 12 इसमें a का मान 1 हो जाएगा, b का k, c का 12, अल्फा प्लस बीटा निकालेंगे -b/a, माइनस b का मान k हो गया और a का मान 1, अल्फा इंटू बीटा c/a, c का मान 12 और a का मान 1, यानी कि 12 × 12। अब प्रश्न से कह रहा है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन α - β = 1। तो इस क्वेश्चन को हम लोग क्या करेंगे कि दोनों तरफ वर्क कर देंगे, स्क्वायरिंग सम बोथ साइड यानी α - β का होल स्क्वायर, इसको 1 का होल स्क्वायर। α - β का होल स्क्वायर फॉर्मूला क्या होगा, α + β का होल स्क्वायर -4α × β आई 1 का स्क्वायर 1। α + β का मान -k इसका स्क्वायर होगा 4, α × β का मान 12 1 हो गया, तो k का स्क्वायर k² गुना करेंगे 48 = 1, तो k² 1 आई माइनस है इधर आएगा तो प्लस, 48 है एक जोड़ देंगे तो 49, इसलिए k² हटेगा तो रूट चढ़ेगा तो √49 इसका वर्गमूल ±7, ये हम लोग का आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि बहुपद a² + 9x² + 3x + 6 का एक शून्यक दूसरे शून्यक का व्युत्क्रम है तब a का मान ज्ञात करें। यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है कि एक शून्यक जो है दूसरे शून्यक का व्युत्क्रम है यानी उल्टा है, तो अगर एक शून्यक अल्फा मान लें और दूसरा शून्यक बीटा, तो बीटा के जगह पर हम लोग 1/α लिखेंगे क्योंकि वो बोल रहा है कि एक दूसरे का व्युत्क्रम है। तो यहाँ मान लेंगे, माना पहला शून्य अल्फा और दूसरा शून्य इसका व्युत्क्रम कर रहा है यानी कि 1/α। तो क्वेश्चन ये है हम लोग का a² + 9x² + 13x + 6a। तो यहाँ a का वैल्यू हो गया इतना a² + 9, b का 13, c का 6a। तो इसमें हम लोग पहले क्या करेंगे कि α × β निकालेंगे, α × β c/a, अल्फा और बीटा के जगह पर बोल रहा है कि इसका व्युत्क्रम यानी कि बीटा के जगह पर लिख देंगे 1/α और c का मान हो गया 6a और a का मान हो गया a² + 9। ए अल्फा से अल्फा कैंसिल हो गया, क्या बचा 1² = 6a a² + 9,
इसको टू ऑन क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे, तीसरा तीसरी गुना करेंगे तो क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस नाइन स्क्वायर टू सिक्स है, ए स्क्वायर इसको इधर खींचेंगे सिक्स है प्लस नाइन स्क्वायर टू जीरो। ए जो है हम लोग एक फॉर्मूला पर आ रहा है, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर माइनस टू ए बी इक्वल टू जीरो। ए स्क्वायर माइनस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर होता है ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस थ्री का होल स्क्वायर इक्वल टू जीरो। स्क्वायर हटेगा तो जीरो पे रूट चढ़ेगा, हो जाएगा ए माइनस थ्री इक्वल टू जीरो, इसलिए ए इक्वल टू माइनस तीन है इधर आएगा तो प्लस तीन, इसका ए आंसर हो जाएगा।